very warm welcome everyone, and I hope you are doing well, and my apologies for you. Today we are discussing about the engineering mechanics and 135 most important engineering mechanics question that will appear in your all state JE examinations, SSC JE examination, and maybe the chances are these question will become in your ESE examination for 1 marks, and also the GATE 1 marks examination. 1 marks question is a very easy question, and I hope these question will help in your examination. If you are a IITian or you are preparing for the IIT examination, then these engineering mechanics course is also very helpful for you. So let's get started. The first question is, the unit of force in SI, the SI unit of force is always Newton. Newton कैसे होता है सबको पता है, Newton एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हें के रिस्पेक्ट में हमने Newton रखा है. फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तब जब मास को आपने क्या किया है कांस्टेंट रखा. ठीक, नेक्स्ट, द यूनिट एनर्जी की SI यूनिट सबको पता है जूल होती है, जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम था, और SI यूनिट में एनर्जी जो होगी वो जूल होगी. नेक्स्ट, पावर की SI यूनिट वॉट होती है, और पावर की SI यूनिट का यूज ही हम इलेक्ट्रिसिटी में भी करते हैं, और जो आपके यहाँ बिजली का बिल आता है वो भी वॉट में आता है. ठीक, नेक्स्ट, फोर्स आर कॉल्ड द कॉन्करेंट व्हेन देयर लाइंस आर एक्शन मेड एट अ वन पॉइंट. कॉन्करेंट फोर्स का मतलब सिंपल है, सपोज करो ये कोई पॉइंट है और ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, then these type of forces called are the concurrent forces. Concurrent forces का एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, सपोज करो ये चंगू है और चंगू है नेता, तो जितनी भी पब्लिक होगी ना वो पूरा का पूरा फोर्स किधर लगाएगी, नेताजी के ऊपर, भैया हमारा काम करवाओ, कुछ बोलेंगे हमारा काम करवाओ. तो अब जो नेताजी के ऊपर फोर्स लगेगा वो किस टाइप का फोर्स होगा, कॉन्करेंट फोर्स होगा. ठीक, नेक्स्ट, फोर्स आर कॉल्ड ऑफ द कोप्लेनर. अगर कोई भी फोर्स एक ही प्लेन पर है, यदि दो या तीन चार पांच फोर छह फोर्स सात फोर्स आठ फोर्स सेम प्लेन पर है, तो इस टाइप का जो फोर्स होगा वो कोप्लेनर कहलाएगा. फोर्स आर कॉल्ड ऑफ द कोप्लेनर व्हेन ऑल दे आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी. द कोप्लेनर फोर्सेस आर दोस टाइप ऑफ फोर्सेस हूज फोर्स आर एक्टिंग इन अ सेम प्लेन. A force acting on a body may, all of the above, induce the internal stress. अगर ये कोई body है suppose करो, और मैंने इस पे force apply किया F Newton का, तो होगा क्या? Maybe the chances are कि stress generate हो जाए, या हो सकता है कि जो आपने force लगाया वो किसी और force को balance कर दे, या चांसेस हो सकते हैं कि इस फोर्स की वजह से ये बॉडी मोशन में आ जाए, है ना. अब मोशन में भी आ सकती है, और हो सकता है कि फोर्स लगा के मैं इस बॉडी को रोक दूं, तो कोई भी संभावना हो सकती है. वो डिपेंड करेगा कि फोर्स किस टाइप का है और बॉडी किस कंडीशन में है. तो फोर्स जो एक्ट करेगा वो या तो इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है, या तो किसी भी फोर्स को बैलेंस करने के लिए यूज हो सकता है, या तो किसी भी बॉडी को मोशन करा सकता है, या तो किसी भी बॉडी के मोशन को रोक सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है. नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लॉज ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस. देखो पॉलीगन क्या होता है, वेयर मोर, अगर फोर एलिमेंट्स की मैं बात करूंगा तो वहां उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, पर अगर मोर देन साइड्स हो तो वहां पे पॉलीगन यूज होता है. तो पॉलीगन ऑफ फोर्सेस कुछ नहीं है, सपोज करो कि आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जो किसी पॉलीगन की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी जो क्लोजिंग साइड्स होगी, मतलब जो लास्ट साइड होगी, वो सभी फोर्सेस के रिजल्टेंट को शो करेगी. मींस इफ द
number of forces are represented the side of polygon, then its resultant is the closest side of the polygon. वही यहाँ पे लिखा होगा D. If any number of forces acting at a point can be represented in the direction and magnitude by the side of polygon taken in order, then the force are in a equilibrium. अच्छा, तो ये भी कह रहा है कि अगर polygon में जितने फोर्स लग रहे हैं अगर वो किसी सेम पॉइंट पर एक्ट करें तो फोर्स जो होंगे वे इक्विलिब्रियम में होंगे. इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो. समझ गए हीरो? नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी डिपेंड अपॉन. अब देखो, अगर किसी बॉडी पर मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो वो फोर्स के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करेगा, वो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर डिपेंड करेगा, लाइन ऑफ एक्शन LOA पर, और वो उसके डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा. तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो उसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन या पोजिशन ऑफ एक्शन पर डिपेंड करेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस देम बाय द सिंगल फोर्स. इसका मतलब क्या है? देखो, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब सपोज करो आपके पास ये कोई बॉडी है, मान लो कोई पत्थर है, उस पर मैंने खूब सारे फोर्स लगाए F1, F2, F1, F2, F3 and F4. अब मुझे ये बताना है कि जो भी फोर्स लग रहे हैं गुरु, उनका रिजल्टेंट क्या होगा. तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो समीशन ऑफ ऑल एक्टिंग फोर्स के बराबर होगा. मतलब मैं एक फोर्स से सभी फोर्सेस को रिप्लेस कर सकता हूं. नेक्स्ट, अ फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई, जब हम उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तीनों को बताएंगे ना, तभी हम टोटली एक फोर्स को डिफाइन कर पाएंगे. क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं. कोप्लेनर फोर्स हो सकता है, कॉन्करेंट हो सकता है, कोलिनियर हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस हो सकते हैं. तो फोर्सेस को हम डिफाइन तभी कर पाएंगे जब हमें पर्टिकुलर ये पता हो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है फोर्स का. ठीक है ना, फोर्सेस को रिजॉल्व ये कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से. ठीक, नेक्स्ट, इफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी एक्ट एन एंगल ऑफ 9 degrees द रिजल्टेंट विल बी. वही मैं बताना चाहता था, अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं, सपोज करो ये फोर्स P1 है और ये फोर्स P2 है, P1 एंड दीज फोर्सेस P2, अब ये किसी एंगल थीटा पर एक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है गुरु वो 9 degrees दे दिया है. अब बोल रहा है कि इसका रेजोल्यूशन करो, तो दो ही टाइप का रेजोल्यूशन होगा, या तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. तो P1 cos theta एंड, मतलब P मान लो, अगर फोर्स को P मान लो P1 cos theta एंड P1 sin theta, तो दो फोर्स हो रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? IP cos 9/2. देखो, जब भी मैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की बात करूंगा ना, तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको मैं हमेशा लिखूंगा R इज इक्वल टू रूट ओवर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर
plus two f one f two cos alpha. Alpha क्या है? वो एंगल ही है जिसको जिसको मैंने थीटा बोल रखा था. ये इसके रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करूंगा. नेक्स्ट, the algebraic sum of the resolved part of number of forces in a given direction is equal to the resolved part of their resultant in the same direction. This is as per the principle of resolution of forces. Simple है. क्योंकि मैं जब forces को resolve करूँगा ना, तो हमेशा याद रखूँगा कि वो angle किस direction में बना के रखा है. जिस direction में angle होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन थीटा. सिंपल है. नेक्स्ट, द रेजोल्यूशन पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 9 डिग्री इन द गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द एलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन. सही है यार, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे. नेक्स्ट, Which of the following do not have identical dimension? किसके पास identical dimension नहीं? तो moment of forces and angular moment, ये दोनों अलग अलग चीजें. जबकि अगर मैं kinetic energy और potential energy की बात करूं तो इनका same dimension होगा. Torque and work में भी same dimension होगा. Torque and energy में भी, and moment and impulse में. Moment क्या होता है वो सबको पता है, संवेग द्रव्यमान गुणे वेग. Impulse जो होता है वो फोर्स एक्टिंग अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम. जैसे मैं किसी को चाटा मार दूं, तो चाटा मारूंगा तो क्या होगा? मैंने फोर्स अप्लाई किया बट अ वेरी लो इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैंने फोर्स अप्लाई किया. ठीक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? लाइट ईयर होती है, सबको पता है. माइक्रोन होती है, मिलीमीटर होती है. माइल स्टोन क्या है? यूनिट है डिस्टेंस की. तो लगता है एंगस्ट्रॉम आई थिंक डिस्टेंस की नहीं है, वो एंगल मेजरमेंट की है. आई डोंट नो स्पेस का अलावा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट? सबको पता है हॉर्स पावर, सबको पता है. जो यूनिट नहीं है वो किलो कैलोरी पर केजी सेकंड. ठीक. नेक्स्ट, Which of the following is not the unit of work energy and heat? Not the unit of work energy and heat. Which of the following is not the unit of work energy and heat? So power की जो unit होती है वो HP होती है. क्योंकि horse power को define ऐसे किया गया था बहुत साल पहले, जब unit का measurement किया गया तो power को define किया गया. तो power को define करने के लिए हमने horse power use किया है. यूनिट क्यों? हमने हॉर्स पावर को इस तरह डिफाइन किया कि एक घोड़ा जो पूरे दिन में काम करेगा ना, उसी को मैं हॉर्स पावर से बता देता. ठीक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर होता क्या पहले वो समझ लो. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया. मतलब ये कोई सरफेस है, इस पर जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पर यूनिट अगर मैंने एरिया कर दिया गुरु, तो वो क्या होगा? प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा. तो इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है प्रेशर की? तो न्यूटन. क्यों? क्योंकि न्यूटन जो है वो यूनिट की है फोर्स की, न कि प्रेशर की. नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. नेक्स्ट, The force which meet at a point but their line of action do not lie in the plane are called. देखो, अगर same ही point पर force act करेंगे ना, तो वो concurrent forces होंगे. लेकिन अगर उनका plane different different है ना, तो वो non-collinear होंगे. क्या होंगे? Non-coplanar. Coplanar. Non-coplanar. तो इसको मैं बोल सकता हूं नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस. ठीक. नेक्स्ट, व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू द लॉक फॉलोइंग इज एप्लीकेबल. जब भी हम ताला को चाबी से खोलने का ट्राई करते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं? देखो,
बेसिकली जो ताला में हम चाबी यूज करते हैं ना, लॉक में जो हम की यूज करते हैं, उस पे हम कपल कपल अप्लाई करते हैं। जब हम इक्वल एंड अपोजिट कपल अप्लाई करेंगे तो लॉक खुल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली दो टाइप की क्वांटिटी होंगी, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होंगी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेंगी, डायरेक्शन पर नहीं, और वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करेंगी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी? एक्सेलरेशन। नहीं गुरु, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इफ वी वांट टू डिफाइन द एक्सेलरेशन वी मस्ट बी नीड द magnitude and direction, otherwise we will not define the acceleration. Next, according to principle of transmissibility of forces, the effect of forces upon a body is the same at every point at its line of action. मतलब बंदा ये कहना चाहता है कि suppose करो एक आपके पास बहुत बड़ी body है, उस body पर मैंने force लगाया और फोर्स जो है वो उसके लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहा है, तो उसके लाइन ऑफ एक्शन पर जितने फोर्स लगेंगे ना, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यही ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन किसी भी पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया और उसको मैंने कहीं भी ट्रांसमिट कर दिया, कहीं भी ट्रांसमिट करके मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने का ट्राई किया, तो उसकी वैल्यू इनिशियल फोर्स की वैल्यू के बराबर होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप की क्वांटिटी को मैंने आपको बताया था, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होंगी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेंगी, वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करेंगी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी? मोमेंटम। क्यों? कि इम्पल्स एंड मोमेंटम में जब मैं मोमेंटम की बात करूंगा तो मोमेंटम जो होगा मास इंटू वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। नेक्स्ट, the magnitude of two forces which when acting in a right angle produce the resultant force of V 10 kg and when the acting at an angle of 60 degree produce the resultant of 15 kg, the resultant force. देखो, resultant निकालने का सिंपल सा तरीका है, R is equal to root over R1 का square plus R2 का square plus 2R1R2 into cos alpha। गुरु यहाँ पे तुम्हें सब दिया है, तुम्हें अल्फा भी दिया है, तुम्हें R1 भी दिया है, R2 भी दिया है, तो क्या रिजल्टेंट नहीं निकाल लोगे? निकाल लो, और उसका आंसर होगा V5 and V5। नेक्स्ट, the number of forces acting at a point will be in an equilibrium if the sum of resolved part of any two per perpendicular direction are zero। मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी पॉइंट पर खूब सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट तब जीरो होगा जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनका समेशन जीरो। बस, नेक्स्ट, टू नॉन कोलिनियर पैरेलल इक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट अ कपल। देखो कपल, अरे सिंपल सी बात है, नॉन कोलिनियर मतलब ये देखो, मान लो कोई फोर्स यहाँ पे तुमने अप्लाई किया, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, तो एक कपल जनरेट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम देन द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज अ जीरो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? वेट, बिकॉज weight is defined as mass into gravitational constant। हाँ जी, weight को हम kg से represent करते हैं, kgf, किलोग्राम फोर्स जो है, तो weight जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, मैं अगर weight की बात करूं तो मैं अगर बोल दूं 52 kg तो यहाँ पे काम बन जाएगा, मुझे direction बताने की जरूरत नहीं। ठीक, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस ये बोलता है अगर ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, तो अगर तीसरा फोर्स जो होगा ना वो रिजल्टेंट फोर्स होगा। ना उस बात खत्म।
three forces acting upon a practical are represented in many different direction by the side of triangle. Taken in order, they will be in equilibrium. Next. If a rigid body is in equilibrium under the action of three forces, then B or C, dono se liye. The line of action of their forces meet at a point. The line of action of their forces are parallel. D'Alembert बाबू क्या कहते हैं? D'Alembert principle क्या कहता है? D'Alembert principle ये कहता है कितने force लग रहे हैं ना pseudo force लगा दो. Reducing the problem of kinematic equilibrium is static problem. D'Alembert principle यही कहता है. इस direction में जितने force लग रहे हैं ना उसके opposite direction में static condition में उतने force लगा दो. FA इसे मैं pseudo force बोल देता हूँ. D'Alembert principle से use होता है. D'Alembert principle ये pseudo force ऐसा आप समझ सकते हो. सपोज फिर आप किसी स्टेशन से गुजर रहे हो और ट्रेन आपके बगल से निकल गई, तो अब क्या होगा कि ट्रेन पे बैठे बंदे को ये लगेगा कि आप मोशन में, क्योंकि वो खुद मोशन में है. तो D'Alembert बाबू ये कहते हैं कि आप अपने आप को रेस्ट में मानो और जो प्लेटफॉर्म में बंदा खड़ा है ना उसको मोशन पे मानो. तो हमें अब वो पेड़ वो पौधे वो बंदा पीछे क्यों जाता हो दिखाई देगा. Next. Having ladder resting on the floor against the vertical wall may not be in equilibrium if. अरे ये heavy ladder है, ये किसी wall के साथ रखा हुआ है तो अब ये equilibrium में नहीं होगा. Equilibrium में मतलब अब rest में होना चाहिए, पर अगर इसमें और इसमें friction नहीं है, इसमें इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, फिर ये खसक लेगा यहाँ से. इसको मैं ये बोल सकता हूँ द फ्लोर एंड वॉल बोथ आर द स्मूथ सरफेस. अब स्मूथ होंगे तो फिर फ्रिक्शन होगा नहीं, और फ्रिक्शन होगा नहीं तो इक्विलिब्रियम में होंगे नहीं तो फिर निकल लेंगे. नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू द लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम कुछ नहीं कहता. सपोज करो ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसके बीच एंगल कुछ है, इसके बीच एंगल कुछ है और इसके बीच एंगल कुछ है. तो सिंपल वो ये बोलता है कि F1 upon sin alpha, F2 upon sin beta and F3 upon sin gamma. मतलब इस जो फर्स्ट फोर्स है, फर्स्ट फोर्स जो है वो दो जो और फोर्सेस हैं उनके बीच के एंगल के sin theta के डिवीजन के बराबर होगा. If three forces acting at a point in equilibrium, each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. Lami's theorem यही है गुरु, इसके अलावा कुछ नहीं. F1 upon sine alpha is equal to F2 upon sine beta is equal to F3 upon sin gamma. Next. Two coplanar couple having the equal and opposite moment if can't be balanced to each other. Next. A frame structure is perfect if it's contain the member equal to. अब देखो यहां पे तुम नहीं समझने वाली बात मैं बताता हूं. अब कोई भी फ्रेम या स्ट्रक्चर या कंपोनेंट इम्परफेक्ट होगा, परफेक्ट होगा, है ना, डिटरमिनेंट होगा या इनडिटरमिनेंट होगा, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे. वो फार्मूला है एम प्लस थ्री इज इक्वल टू टू जे, वेयर एम इज अ मेंबर ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, J is a number of joint. अगर m plus 3 की वैल्यू 2j के गुरु बराबर हो गई ना तो वो हो जाएगा एक परफेक्ट ट्रस. ट्रस देखते कहां हो, ट्रस अगर आपको देखना है तो आप चले जाओ ब्रिज में, जो ट्रेन की ब्रिज बनी रहती है ना उनको देखोगे वो ट्रस में है. तो अगर m plus 3 की वैल्यू 2j के अगर बराबर हो गई तो ये क्या हो गया, परफेक्ट ट्रस. अगर m प्लस थ्री की वैल्यू लेस देन टू जे के बराबर हो गई ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंडर रिजिड बट डिटरमिनेंट ट्रस. अगर एम प्लस थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन टू जे हो गई ना गुरु तो उस केस में ये कहलाएगा
over rigid but indeterminate crush. Over rigid, over rigid का मतलब ये है कि अब वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोड ले सकता है. अंडर रिजिड का मतलब ये है कि सपोज करो मैंने ब्रिज बनाया था 500 किलो न्यूटन का फोर्स या वजन झेलने के लिए, पर अगर वो तुम्हारा जो ट्रस है, वो जो ब्रिज है वो अंडर रिजिड है ना, तो पता चला कि हवा चली, दो ठो बस निकली और पुल आपका निपट गया. ठीक, तो अगर परफेक्ट ट्रस की आप बात करोगे तो 2J माइनस 3 की वैल्यू आपके नंबर ऑफ जॉइंट के बराबर पूछी गई. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स और अ कपल विद द आर्म ऑफ द कपल इज कॉल्ड ऑफ द मोमेंट ऑफ कपल. नेक्स्ट, इन डिटर्मिनेंट स्ट्रेस इन अ फ्रेम बाय मेथड ऑफ सेक्शन द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स बाय द इमेजिनरी सेक्शन ड्रॉन फॉर सच अ वे दैट दे आर कट अ मोर देन थ्री मेंबर विद द नोन फोर्सेस. देखो बेसिकली जो हम ट्रस की बात करते हैं ना, हम उसको दो टाइप से सॉल्व करेंगे. पहला होगा मेथड ऑफ सेक्शन, दूसरा होगा मेथड ऑफ जॉइंट. पहला होगा मेथड ऑफ सेक्शन, दूसरा होगा मेथड ऑफ जॉइंट. तो मेथड ऑफ जॉइंट में हम क्या करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर जॉइंट को लेंगे और वहां पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं वहां उसको इक्विलिब्रियम में डाल देंगे, उसके पॉइंट ऑफ फोर्सेस जीरो कर देंगे, उसके पॉइंट ऑफ मोमेंट जीरो कर देंगे. बट मेथड ऑफ सेक्शन में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक सेक्शन को कट करेंगे, उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड के फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में लाके हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक, तो दो ही मेथड है, मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट. नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म लैमिनार लाइज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस. ठीक, नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड कोन लाइज ऑन द एक्सिस एट अ हाइट अ 1/4 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ अबव. सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ कोन की सब बात कर रहा है. देखो इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट हाँ मिल गया. देखो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट, Center of precision is the point of application of the resultant of all forces tending to cause a body to rotate about the certain axis. मतलब center of precision की बात ये है कि suppose करो एक कोई point मैं ले लूँ और उसी के point के about मेरी जो body है वो move कर दूँ. Next, center of gravity of a thin hollow cone lies on the axis of the height of 1/3 of the total height above base. Next, the unit of moment of inertia of an area is meter ki power 4. Kyunki moment of inertia ki jab main baat karunga na, to wahan main baat karunga meter ka square into meter ka square. तो वो टोटल क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 4. नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ प्रिसीजन ऑफ द होमोजीनियस रॉड ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड एट द टॉप विल बी 2L by 3. नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लाई एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियम. The unit of moment of inertia of a mass is kg meter square. Next, the possible loading in a various member of frame of a structure are A, compression and tension. अरे यार, इस तो अगर आप ट्रस की बात करोगे ना गुरु, तो ट्रस में दो ही टाइप के आपके फोर्स लगेंगे, या तो कंप्रेशन लगेगा या तो टेंशन लगेगा, बस बात खत्म.
So next discussion we will in a next slide. और अभी जितना टाइम लगा उतना ही टाइम नेक्स्ट में लगेगा, तो 35 मिनट्स में अगला लेक्चर स्टार्ट करता हूँ.